आए दिन सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर हम देखते हैं कि अंधविश्वास और तंत्र मंत्र की आड़ में ढोंगी बाबाओं ने पैसों की लूट की या महिलाओं का शोषण किया। इसके बावजूद भी ढोंगी बाबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। ऐसा ही एक मामला भोपाल से सामने आया है। पीड़ित मिलन द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र के पालघर में महाराज दिनेश्वर द्वारा तंत्र मंत्र की आड़ में महिलाओं का शोषण किया जाता है। कई लोग इस अंधविश्वास के चक्कर में आकर अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। मिलन द्वारा ढोंगी बाबा का पर्दाफाश किया गया है। भोपाल से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। अकाउंट नंबर दिया, जिसको वो बार बार कथित तौर पर ये बोला जाता है कि ये मेरा अकाउंट नंबर नहीं है, उनके द्वारा दिया गया है। आप देख सकते हैं 00399 नाम का नंबर का अकाउंट है लास्ट के इनके बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने 11,000 रुपए आज से 15 दिन पहले जमा करे। अच्छा, आप ये देख सकते हैं पूरा का पूरा इनके द्वारा ही दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी और क्या सुनने में आया है उनको लेकर के? महिलाएं भी सुना है बहुत ज्यादा उनका शोषण होता है वहाँ। एक्चुअली हुआ ये कि जब मैं उनके पास में पहले मैं ये पैसे से रिलेटेड ठगी की बात करूं, फिर महिलाओं पे आता हूं। यस, क्या होता है कि मैं जब उनको पैसे जमा करता हूं तो वो पैसे वहां पर मेरे से कुछ कांटेक्ट नहीं करते हैं। कांटेक्ट नहीं करने के बाद में मैं उनको बार बार कॉल करता हूं, मेरा कॉल काटा जाता है। बार बार मुझे अभद्र तरीके से मेरे साथ बात करी जाती है। उनके कुछ दो चार गुड़गे हैं जो कि बात करते हैं। फिर वहां से मुझे माबेन की गाली बकी जाती है। लिटरली मैं आपको यहाँ पर कैमरे के सामने बता नहीं सकता किस तरीके की माबेन की गाली बकी जाती है। उसके बाद में मुझे फर्जी आईएएस आईपीएस बनकर के उनके वहां से कॉल आता है कि ज्यादा यदि बात करोगे हम तुम्हारे को मरवा देंगे, ये करेंगे। अब मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं इस मामले में। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से कोई शिकायत कर की आपने? नहीं साहब, मैंने अभी साइबर सेल के अंदर इनकी शिकायत करी है। शिकायत करने के बाद में उसकी मेरे पास कॉपी भी है जो मैं आपको मुहैया करा सकता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और अब सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं ढोंगी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो, क्योंकि ये जो है मानव अत्याचार भी कर रहा है। ये क्या करता है कि वहां पर शमशान में महिलाओं को लेकर के जाता है, पुरुषों को लेकर के जाता है। महिलाओं के गुप्तांग में ये कॉन्डम और जायफल घुसेड़ करके, महिलाओं के गुप्तांग में जायफल और ये कॉन्डम घुसेड़ के बोलता है कि यहाँ से भूत आपका जो है वो नहीं निकलेगा। तो ये अंधविश्वास भरी कहानी भरपूर है और ये काफी बड़े आरोप इन्होंने लगाए हैं और ये कहीं ना कहीं भारत सरकार की गाइडलाइन में है। एडवाइजरी समय समय पर जारी की जाती है कि ऐसे घृणित अपराध करने वाले, अत्याचार करने वाले समाज के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा भारत सरकार दे रही है। लेकिन इसी क्रम में इतनी परेशानी उठाने के बाद आज मिलन ने अपनी आपबीती सुनाई। और आप बंबई से कब आए हैं? मुझे हो गए करीबन 15 दिन। 15 दिन और यहाँ भी उन्होंने काफ़ी शिकायतें की हैं, उसकी कॉपियाँ भी उन्होंने बताई है और अपने मैसेजेस भी बताए हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मामला लगता है, जिसकी ग्राउंड जीरो से जांच होना इसमें ज़रूरी लग रही है। और यहाँ भी बड़े पुलिस अफसरों से और गृह मंत्री मुख्यमंत्री से आगे जाके उनके मिलने के प्लान भी हैं। बिल्कुल साहब, तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी ही स्टोरी है और इसमें कई लोगों के लिप्त होने के भी हैं और महाराष्ट्र सरकार से भी गुहार लगाने की उनकी यहाँ से बात की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।